क्वेश्चन नंबर 120 सॉल्व 0.4 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0.5x 1। तो इस क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है। तो इसमें हम सबसे पहले इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इसके ब्रैकेट को ओपन करने से ये 0.4 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जो ये होगा 12, और वन डिजिट के पहले पॉइंट है तो ये होगा 1.2x, और फिर 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.4 इक्वल टू, और ये 0.5x प्लस 1। और जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो इस वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये होगा माइनस 0.5x इक्वल टू, और इस 0.4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा प्लस 0.4 इम्प्लाइज दैट, और फिर इसमें 12 में 5 प्लस करेंगे 7, तो ये होगा 0.7x इक्वल टू 1.4। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1.4 बाय 0.7। तो इसमें पहले हम पॉइंट को कैंसिल कर लेंगे और फिर 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 होगा। सो x इक्वल टू 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये चेकिंग LHS इक्वल टू ये है 0.4 इक्वल टू 3x माइनस 1 पुटिंग x इक्वल टू 2। सो वी गेट 0.4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1, सो इक्वल टू 0.4, और ये होगा 6 माइनस 1। तो 0.4 और ये 5, तो ये होगा 5 4 20 2.0। और फिर इसके हम RHS में भी x की वैल्यू को पुट करेंगे। RHS है 0.5x प्लस 1 पुटिंग x इक्वल टू 2, सो वी गेट 0.5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये होगा 1.0 प्लस 1 इक्वल टू 2.0। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड।